साथी आए वो इसलिए आए क्योंकि चंद महीनों पहले हमारी और सत्य भैया जी के द्वारा बात हुई, तो हमारी प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राम सागर शुक्ला जी एवं हमारी पूरी टीम ने जो उनसे मुलाकात किया उस मुलाकात से हम सभी लोग प्रभावित हुए और उन्होंने जो वादा किया उस वादे में उन्होंने बिल्कुल खड़े उतरे हैं। और अभी 28 दिसंबर को हम लोग जनकपुरी माननीय अधिवक्ता जो हैं हमारे दीपक वाजपेयी जी उनसे मुलाकात किया और उन्होंने आश्वस्त किया है कि आप लोगों का पैसा जरूर से जरूर मिलेगा, 1001% मिलेगा, पर क्योंकि मामला अदालत में है तो थोड़ा कार्रवाई करवाने में और करने में थोड़ा समय लगेगा। पर मैं माननीय सांसद महोदय जी का धन्यवाद देना चाहता हूँ, आज उसी श्रृंखला में लगभग आज 50 बसें पूरे उत्तर प्रदेश से आई हैं, हमारे कानपुर से भी बसें लगभग 10 के आसपास आई हैं। और मैं सभी पीड़ित साथियों का धन्यवाद देना चाहता हूँ और जो मेरे भाई घरों में बैठे हुए हैं मैं उनका भी धन्यवाद देना चाहता हूँ कि वो कम से कम हमारी जो सोशल मीडिया है उसमें ताकत दिखाएंगे, क्योंकि कुछ अगर हमको माननीय सांसद जी दे रहे हैं तो मेरा भी फर्ज बनता है, मेरे साथियों का फर्ज बनता है कि आने वाले विधानसभा में वो उनका साथ दें और ये हमारा साथ देंगे। और आज पल्स का मामला है, कल हमारे अन्य कंपनियों का भी मामला हमारे अधिवक्ताओं के द्वारा अदालत से निपटारा कराया जाएगा। बाकी सभी लोग समझदार हैं, कोई किसी पार्टी का होता नहीं है, परंतु जिस पार्टी ने हमारी आपकी मदद की वो पार्टी आपकी अपनी बन जाती है। विचार ये होना चाहिए, बाकी आप सभी लोग बुद्धिजीवी हैं, सोच समझ के इस बार वोट का अधिकार का पालन अधिकारों का पालन कीजिएगा, क्योंकि 5 साल बाद यही चुनाव आएंगे, तेलक हो सकता है बहुत देर हो जाए, इसलिए 2022 हम लोगों के लिए बहुत खास है। इस बात को निवेदन गौर से करिएगा और सभी साथियों का पुनः एक बार धन्यवाद देते हैं और चिट फंड प्रकोष्ठ के सभी पदाधिकारियों का धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद।